आपका एंड नंबर स्कूल में। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह थर्मस में आपको फाइल्स को मूव कर सकते हो, मूव और पेस्ट कर सकते हो, मतलब कट पेस्ट कर सकते हो जिस तरह आप फाइल मैनेजर में करते हो। और पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था किस तरह आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो और उसके लिए कौन से कमांड यूज होते हैं। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए क्योंकि अभी हमारी जो भी सीरीज चल रही है थर्मस की और इतिहास के एंड्रॉइड की, तो ये वो सारे के सारे वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में आ रही है, तो इसलिए आपको इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है। तो अब चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मालूम नहीं है कितना पार्ट है, मतलब कौन सा पार्ट है। ओके मैंने मतलब काउंट नहीं किया ओके, क्योंकि ब्लॉग भी इस वीडियो का बाकी है बनाने का ओके। तो इसलिए आप यहाँ पर मैं आपको ब्लॉग दिखा था पर ब्लॉग बना नहीं है, तो इसको जल्दी मेरा ब्लॉग बन जाएगा क्योंकि मैं वीडियो डालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ ब्लॉग से, क्योंकि आपको वीडियो से ज़्यादा मतलब समझ में आता है ब्लॉग से भी। तो ब्लॉग भी जल्दी आ जाएगा क्योंकि मतलब टाइम नहीं मिल रहा है ब्लॉग बनाने में, तो जल्दी जल्दी ब्लॉग आ जाएगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। और आपको मुझे मालूम है कि आपको ब्लॉग से जो भी कमांड्स है वो कॉपी करना बहुत इजी होता है, पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा मतलब टर्मस में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा सारे के सारे कमांड्स, उससे भी ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। पर जैसे आप मेरा ब्लॉग तैयार हो जाता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। तो चलो ये बताइए तो आपको इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो आपको मालूम है पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, जो किसी आपको यूट्यूब पर यूट्यूब में किसी भी वीडियो पर नहीं मिलेगा इतना एक्सप्लेन ओके, इसलिए मेरे वीडियो बड़े हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम मूव करके देखने वाले हैं, मतलब सॉरी मूव करने वाले फाइल्स को कट पेस्ट करने वाले हैं। तो कट पेस्ट और मूव पेस्ट में जो भी कमांड यूज होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, और उसके पीछे मतलब जो बेसिक कमांड्स की वीडियो है वो भी देख लेना, क्योंकि जो बेसिक कमांड्स है वही हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि बेसिक जो कमांड्स है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और हम उसको कितनी बार यूज़ करते हैं अगर आप मूव पेस्ट और कॉपी पेस्ट करते हैं, और जो भी आप कोई भी काम करो उन कमांड को आप यूज़ करते ही करते हैं ओके। तो चलो टर्मस में चलते हैं और देखते हैं कौन से कमांड है, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है। चलते हैं हम टर्मस में। यहाँ पर हम आ चुके हैं टर्मस में और अब हम देखने वाले हैं मूव पेस्ट। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले कमांड बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक कमांड है एमवी, तो यहाँ पर फाइल्स और फोल्डर्स के लिए एक ही कमांड है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो एमवी है सॉरी मूव करने का कमांड है वो बहुत ईजी है, बहुत सीपी जो कॉपी कमांड थी जो कॉपी की कमांड थी उससे भी बहुत ईजी है, सिर्फ एमवी कमांड डालनी है ओके। तो यहाँ पर ये हमारी एमवी कमांड, तो उसी तरह यूज़ करना है। उसके बाद जो भी फोल्डर का नाम है, जो भी फाइल का नाम है, सेम ही जो भी फाइल फोल्डर का नाम है उसका नाम डालना है। और उसके बाद आप जिस फोल्डर में पेस्ट करना चाहते हो या जिस भी लोकेशन में पेस्ट करना चाहते हो, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में लोकेशन पाथ सब कुछ, तो अगर प्लीज़ देख लेना, ये वीडियो बहुत आसानी होगी आपको देखने में ओके, और मुझे भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा ओके। एमवी फोल्डर, उसके बाद आपको जहाँ पर भी उसको पेस्ट करना है, जिस भी लोकेशन में उसको पेस्ट करना है उसका पाथ आपको डालना है, जो भी आपको फोल्डर है वो यहाँ पर डालना है। तो ये इसकी कमांड है, आप देख सकते हैं यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे ही ब्लॉक मतलब जल्द से जल्दी तैयार हो जाएगा बन जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं ओके। नहीं तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे के सारे कमांड्स ओके। यहाँ पर आपने कमांड रेडी कर ली, तो इसको मैं एक बार कट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अब एलएस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा फोल्डर मूव करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ही फोल्डर है टूलेक्स, क्योंकि ओके यहाँ पर मेरे पास दो फोल्डर थे, ये कहाँ चला गया, एक मिनट मैं सबसे पहले होम डायरेक्टरी में चला जाता हूँ ओके। अब आपको दिखेंगे मैं कोई अलग डायरेक्टरी में था एलएस ओके। यहाँ पर मेरे पास दो फोल्डर है और एक फाइल है, तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो फाइल है उसको करेंगे मूव, मतलब दोनों के लिए कमांड तो सेम है पर आपको मैं दोनों करके दूंगा क्योंकि आपके पास कोई क्वेश्चन ना बचे पूछने के लिए ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो ए डॉट पी वाई वाली फाइल है मेरी, उसको मैं कॉपी कर सॉरी मूव करूँगा और कहाँ पर पेस्ट करूँगा, ये वाले फोल्डर में ओके। पर ध्यान रखना एक बार मूव हो गया तो कट हो जाता है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा डायरेक्टली, यहाँ पर यहाँ से पूरा का पूरा उठा के कट करके वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा ओके। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ क्लियर। यहाँ पर मैं डालता हूँ एमवी। उसके बाद जो मेरे नाम था फाइल का वो था ए डॉट पी वाई, और उसके बाद मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है इसको ए फोल्डर में, तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एलएस करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप ए डॉट पी आई वाली जो फाइल थी वो गायब हो चुकी है, तो वो कहाँ गई, वो चली गई ए वाले ए में एलएस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ए आ चुकी है। तो यहाँ पर मेरा जो टूलेक्स है वो पहले से ही है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया था। तो एक मिनट में वीडियो पॉज कर लेता हूँ और ये जो भी फाइल्स है और जो भी फोल्डर्स है, ये जो दोनों फाइल्स है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ टूलेक्स को, क्योंकि आगे हम उसको मूव करने वाले
सकते हैं आप जो टूलेक्स था उसको मैंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि अगर आगे मैं उसको मूव करने वाला हूँ तो कैसे डिलीट करना है वो हम अगले वीडियो में जानने ही वाले, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं अगर आपको दिखाता तो आपको टेंशन हो जाता कि इसने क्या किया, अगर आपको मालूम नहीं हुआ तो ये देखो यहाँ पर ए डॉट पी वाला फोल्डर आ चुका है, सॉरी फाइल आ चुकी है, तो इस तरह आप इसको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ मेरे होम फोल्डर में सीवी डाल के। ओके, उसके बाद हम मूव करेंगे इस टूलेक्स को ए फोल्डर में। ओके, यहाँ पर मैं एमवी डालता हूँ, सिर्फ एमवी डालना है, फोल्डर हो या क्या कुछ भी हो, टूल सॉरी टूल टूल डाला सॉरी एक्स, यहाँ पर एक्स बहुत बड़ा नाम है इसका। ओके, उसके बाद मुझे मूव करना है इसको ए फोल्डर में, मैंने नाम डाल दिया, अब मैं एंटर करता हूँ, अब मैं यहाँ पर यलेस करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो टूलेक्स गायब हो चुका है, तो वो ए फोल्डर में चला गया है। मैं बार बार वीडियो पॉज कर देता हूँ क्योंकि आजू बाजू की आवाज़ आती है, तो इसलिए मैं, और उसके वजह से थोड़ा मतलब आगे पीछे हो जाता है। ओके, तो उसके बाद ये जो मेरा फोल्डर था टूलेक्स वो चला गया है ईए में, तो ईए में हम चेक करते आया है कि नहीं, तो यलेस करते देखो आ चुका है। तो इस तरह आप मूव कर सकते हो किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल फोल्डर कुछ भी हो, डायरेक्टली एक ही कमांड से आप यमवे से मूव कर सकते हो। ओके, बात आसान है। तो आपको मैं लोकेशन से भी बता देता हूँ, थोड़ा वीडियो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है तो बता ही देता हूँ। तो लोकेशन में अगर पिछले वीडियो ने देखा हो तो यलेस, यहाँ पर मेरा अभी मैं अब किसी फोल्डर में आपको दिखा रहा था पीडब्ल्यू डाल के, अब मैं हूँ ए फोल्डर में, तो यहाँ पर है हमारे पास कौन सी फाइल्स है, टूलेक्स फोल्डर है, ए डॉट पी वाई और बी, सभी मूव करके यहाँ पर ला मतलब मैंने डाल दिया। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो जो टूल्स है उनको फिर से मूव करते हैं और कहाँ पर पेस्ट करते हैं, हमारे जो होम डायरेक्टरी है, मतलब ये मैं जाता हूँ होम डायरेक्टरी में सीडी में, ये देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है अब, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ मूव करके वहाँ से। तो सबसे पहले हमें यहाँ इसकी लोकेशन लेनी पड़ेगी पीडब्ल्यूडी करके, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने बताया था कि आप अगर सेम डायरेक्टरी में हो तो लोकेशन नहीं लेगी, पर पिछली या अगली डायरेक्टरी में हो तो पूरी की पूरी लोकेशन लेगी आपको पूरी। तो इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ, एक मिनट, कर लिया कॉपी। उसके बाद हम चलते ए वाले फोल्डर में, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास फाइल्स है, यलेस करते हैं, ए में आ चुके हैं, और ये दोनों को दोनों हमें हम यहाँ पर एक साथ करेंगे। ओके, आपको वो भी पता चलेगा अगर मैं यहाँ पर दोनों को दोनों डालूंगा एक साथ, यहाँ पर टूल यस, अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स है तो आप जितने भी यहाँ पर फाइल्स और फोल्डर्स के नाम डालेंगे तो एक ही साथ वो डायरेक्टली वहाँ पर जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं वो पेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टूल्स डाला, अब ए डॉट पी वाई डालता हूँ। ओके, मैंने दोनों डाल दिए, अब मैं यहाँ पर उसकी लोकेशन डालता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, अब मैं करता हूँ एंटर, अब मैं यहाँ पर करता हूँ यल यस। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर यल यस किया, पर मैंने यहाँ पर किसको कहाँ पेस्ट किया है, होम फोल्डर में, तो हमें होम फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो होम फोल्डर में जाने के लिए डायरेक्टली मैं डालता हूँ सीडी, करता हूँ एंटर और डालता हूँ यल यस। तो आप यहाँ पर जा सकते, सॉरी देख सकते हैं टूलेक्स ए पी वाई दोनों को दोनों आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमारा सिर्फ ए था, ए वाला ही फोल्डर था, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फिंगर प्रिंट का जो निशान है उस पर, यहाँ पर पहले ओनली ए था, उसके बाद टूलेक्स ए ए डॉट पी वाई, तीन हो चुके हैं। तो इस तरह हम कर सकते हैं मूव, बहुत आसान है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम डिलीट कर सकते हैं, तो डिलीट भी थोड़ा सा मतलब कमांड, दो कमांड यूज़ करते हैं उसके में, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एसडी कार्ड से नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने मैंने बताया था टाइम की वजह से, पर यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप देख लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में देखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।